Hello everyone. So today we are going to start the chapter number 4 of your grammar book. Its name is A and The. Before starting, you have to mention the date. A and The, in short, articles. हम इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं? इनका यूज़ हम नाउन्स को पॉइंट आउट करने में करते हैं, या वो सिंगुलर नाउन हो या वो प्लूरल नाउन हो. सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हो थर्ड चैप्टर में. सो मुझे उम्मीद है कि आपको सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सिंगुलर मीन्स वन, जिसकी जो काउंटिंग होती है वो वन होती है, एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन, और जिसकी काउंटिंग जो होती है वो एक से ज़्यादा होती है. सो अब हम देखते हैं कि हम ए कहाँ यूज़ करते हैं, एन कहाँ यूज़ करेंगे और द कहाँ यूज़ करेंगे. सो इसका एक सिंपल सा फंडा है, दैट इज़ वॉवल. एज वी नो कि जो वॉवल्स होते हैं वो हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू. ये तो हो गए वॉवल्स. इनके बिना जो बाकी लेटर्स बच गए हमारी ए बी सी में, वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स. अब जो वॉवल्स हैं उनके साथ हम एन यूज़ करते हैं. जो वॉवल की जो साउंड होती है उसके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं. क्योंकि अगर हम ये तीनों सेंटेंसेस पढ़ें, मीना वॉन्ट्स टू बाई एन अम्ब्रेला, तो यू के साथ तो हमने एन यूज़ कर दिया, क्योंकि यू क्या है? वॉवल है. शी विल टेक एन ऑटो टू द मार्केट. अब ऑटो के साथ हमने एन यूज़ कर दिया क्योंकि ये ए वॉवल है. नाउ शी विल बी बैक इन एन आर. अब एच तो वॉवल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसके साथ एन यूज़ किया है. क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जो इसकी साउंड है वो वॉवल वाली है. जो वर्ड्स वॉवल्स हों या उनकी साउंड वॉवल की हो, उसके साथ हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे. इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ कमिंग टू एन ए. ए क्या होता है? रमन वर्क्स एट अ स्कूल, ही वियर्स अ यूनिफॉर्म. अब यू स्कूल तो हमने मान लिया कि जो एस है वो कॉन्सोनेंट है, वॉवल के बिना है, तो हम इसके साथ ए यूज़ कर दिया. नाउ कमिंग टू द यूनिफॉर्म. अब यू तो वॉवल है, लेकिन इसके साथ हमने ए क्यों यूज़ किया है? क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जो इसकी साउंड है वो कॉन्सोनेंट वाली है, वॉवल वाली नहीं है इसकी साउंड, तो हम इसके साथ ए यूज़ करेंगे. ए और एन दोनों ही हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करेंगे, लेकिन एन उसके साथ यूज़ होगा जिसकी साउंड वॉवल की होती है, और ए उसके साथ यूज़ होगा जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं और जिनकी जो साउंड होती है वो वॉवल की नहीं होती. वो आपको क्लियर हो गया आर की तरह और या फिर यूनिफॉर्म से. Coming to the sun rises in the east. We will go to the red fort on Sunday. Mostly हम देख रहे हैं ये जो the होता है वो plural noun के साथ use होता है, या फिर जो proper nouns होते हैं उनके साथ use होता है. So the is not any problem with vowels या फिर consonant के साथ, इसका कुछ नहीं होता. लेकिन इसका जो सिंगुलर और प्लूरल जो नाउन होते हैं सिर्फ उनके साथ होता है, कि जो द है वो प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ होता है, और जो द होता है उसके हम स्पेशल नेमिंग वर्ड्स जिनको हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं हम उनके साथ भी यूज़ करते हैं. सो आई होप यू मस्ट बी क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ ए एन और द. ए और एन यूज़ होते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, और द यूज़ होता है प्लूरल नाउन के साथ. जो ए होता है वो यूज़ होता है कॉन्सोनेंट्स के साथ, और जिसकी साउंड कॉन्सोनेंट की होती है, और एन यूज़ होता है वॉवल्स के साथ, और जिसकी साउंड जो होती है वो वॉवल्स की होती है. सो नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज. फर्स्ट एक्सरसाइज,
लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू हेयर. फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली यूजिंग ए और एन. तो हमें यहाँ पे ए और एन यूज़ करना है. आई डू टू फॉर यू, देन रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. फर्स्ट डैश टेल. अब टी है तो इट्स अ सिंपल, इट्स कॉन्सोनेंट, टी इज कॉन्सोनेंट, सो वी विल राइट हेयर ए. सेकेंड वन सनफ्लावर, सो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट, वी विल यूज ए हेयर. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू द अदर एक्सरसाइज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. लेट्स मूव टू द बी एक्सरसाइज नाउ. सो बी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट दैट इज डैश साइकिल आई टोल्ड यू अबाउट. साइकिल है यहाँ पे, ये कॉन्सोनेंट वर्ड है सी, तो हम यहाँ से ऑप्शन चूज करेंगे द, क्योंकि एन सिर्फ उसी के साथ लगता है जिसकी जो आवाज़ है वो वॉवल की हो या फिर वर्ड हो वो वॉवल हो. सो वी विल राइट हेयर द. नेक्स्ट सेकेंड देयर इज डैश ओल्ड टाइगर इन द जू. हमें ऑप्शन दिए हैं ए एन और ए. ओल्ड है, इसकी साउंड वॉवल की है और वर्ड भी वॉवल है, तो वी विल यूज एन हेयर एंड इन द ब्लैंक वी विल राइट एन. सो इट्स वेरी क्लियर. सो देयर आर मोर सेंटेंसेस विच यू हैव टू डू योर सेल्फ. सो लेट्स मूव टू द सी एक्सरसाइज नाउ. लेट्स सी व्हाट द सी एक्सरसाइज सेज. हेयर वी आर गिवन टू बॉक्सेस एंड इन द सेंटर थ्री आर्टिकल्स ए एंड द. मैच मेक सेंटेंसेस. सो नाउ वी हैव टू मैच दीज एंड देन वी हैव टू मेक सेंटेंसेज एंड राइट इट डाउन एज आई हैव रिटन. सो मूविंग टू द फर्स्ट सेंटेंस, मॉम इज ओपनिंग द जार ऑफ जैम. द पैरट इज ईटिंग एन एप्पल. सो एज ऑलवेज जार ऑफ जैम, द जार ऑफ जैम, एन एप्पल. So, after matching, what you have to do is you have to write here, mom is opening the jar of jam, the parrot is eating an apple. After matching, then you have to write the sentences down. So, please don't mess with this matching. You have to use scale and the pencil for matching. Do it clearly, nicely and very neat and clean matching, so that you could understand whenever you want to do the exercise. So this was the exercise which you have to do on your English grammar books. So I hope you must have clear with the concept of articles a and the. If you have any queries regarding this, you can ask me. Thank you.